नमस्कार, डिबेट अब तक में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शवर गुप्ता। हमने कई बार इस बात की चर्चा की थी कि भारत के पास एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है, अगर वो चला दे तो पाकिस्तान गुटरों पे आ जाए, पानी की एक एक बूंद के लिए तरस है। लेकिन क्या कारण है कि हम उसे चला नहीं रहे? और आज स्थिति यह पैदा हो गई है जो 1960 में जहां पर इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी पाकिस्तान के साथ, उसको आज भी हम निभा रहे हैं, आज भी चला रहे हैं, अपने हिस्से का भी पानी उसकी तरफ जा रहा है। अगर उन्हें रोका जाए, डाइवर्ट किया जाए, तो पाकिस्तान के पास पीने के लिए, किसी चीज के लिए पानी नहीं रहेगा। आज क्यों हम मजबूर हैं कि उन्हें पानी ना दें? क्यों दें? आज हम क्यों मजबूर हैं कि हम उन्हें पानी दें? और क्यों मजबूर हैं कि पाकिस्तान से आए हुए लोग जो है वहां के, यहां पे आके हमारी जो प्रोजेक्ट्स है उनके ऊपर देखें और ट्रीटी को फिर दोबारा रिन्यू करने की बात कहें? हमारे साथ है ब्रिगेडियर विशाल दीमान साहब, क्योंकि इन्होंने इस पे बहुत रिसर्च की है, बहुत काम किया है, उससे हम जानेंगे। ब्रिगेडियर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू आदर्श जी, प्लेजर टू बी ऑन योर प्लेटफॉर्म। ब्रिगेडियर साहब, 1960 में ट्रीटी हुई थी, इंडस वाटर ट्रीटी, अयूब खान और पठान थे उस वक्त हमारे बड़े जोरदार थे, तब से लेके बहुत पानी बह गया और उसके बाद खून भी बहुत बहा। पानी उनको दे रहे हैं, खून हम अपना बहा रहे हैं, फिर भी हम नहीं रोक पाए, जबकि पता भी है अगर पाकिस्तान के पानी को रोका जाए, डाइवर्ट किया जाए, तो पाकिस्तान कुटरू के वाला आ जाएगा। और अब जब हमने वहां प्रोजेक्ट शुरू करते हैं तो पाकिस्तान ऑब्जेक्शन करता है। अभी कल ही जम्मू में एक डेलीगेशन आया हुआ पाकिस्तान का, वो इन प्रोजेक्ट्स को जाके देखेगा कि कितने पानी हमें छोड़ रहे हैं, कितना पानी हमें दे रहे हैं। मतलब क्या मजबूरी है हमें कि उन्हें यहां लाने की? अभी पीछे बात हो रही थी, प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था हम बिल्कुल इस पे रिन्यू करेंगे दोबारा, जिस पे इस पे सोचेंगे, लेकिन आज वो जम्मू में पहुंचे हुए, कल वो किश्तवाड़ चले जाएंगे, क्या रीजन है ये? देखिए, ये इंडस वाटर ट्रीटी जो 1960 में कंक्लूड हुई थी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ये वर्ल्ड बैंक द्वारा फैसिलिटेटेड एक एग्रीमेंट था। और ये ट्रीटी की जो मीटिंग्स हुई थी, ये ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में 6 या 7 या 8 साल तक ये डिस्कस होता रहा था कि इसको कैसे सॉर्ट आउट करना है। बेसिक प्रॉब्लम ये है कि जम्मू कश्मीर जो भारत का अभिन्न अंग है, यहां से जो दरिया निकलते हैं इंडिया से जो पाकिस्तान में जाते हैं, जम्मू कश्मीर और पंजाब से, तो वो बेसिकली 6 रिवर्स हैं, इंडस, झेलम, चिनाब और रावी, ब्यास और सतलुज। अब ये 6 रिवर कहते हैं, पर अगर टेक्निकली मुझे पूछा जाए तो ये 5 ही हैं। ब्यास जो है सतलुज में मिल जाता है इवन बिफोर इट हैज एंटर्ड पाकिस्तान। तो एज पर द ट्रीटी फैसला ये हुआ था कि पाकिस्तान को पानी मिलेगा इंडस का, झेलम का और चिनाब का, और इंडिया यूटिलाइज करेगा रावी, व्यास और सतलुज। और साथ में चूंकि व्यास, सतलुज और रावी का पानी आप रोकेंगे तो पाकिस्तान विल नीड टू कंस्ट्रक्ट कैनाल्स ऑन देयर टेरिटरी फ्रॉम झेलम और इंडस जगह पे, उस कैनाल का खर्चा भी इंडिया देगा, ठीक है, नंबर एक। दूसरा, जो ये अब रिवर्स तो आपके कंट्री से जा रहे हैं, इंडस, झेलम और चिनाब, बिल्कुल, तो अगर आपके वहां पे लोग कैचमेंट एरिया में लोग रहते हैं तो क्या उनको इस पानी का हक नहीं होना चाहिए? तो उनको भी उन्होंने 1% ऑफ वाटर यूज करने के लिए दे दी। इसके अलावा और कोई बात यहां थी नहीं। तो ये सारा का सारा जो था, 80% पानी जो था वो पाकिस्तान के पाले में गया और 20% इंडिया गया। तो लोगों ने बड़ा ऑब्जेक्शन किया, पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जो उस वक्त वर्ल्ड स्टेटमेंट बनना चाहते थे, पंचशील की बातें करते थे, जो 62 में भ्रम टूटा चाइना के साथ, वैसे ही वो कहते थे कि हम पाकिस्तान के सामने, हम बड़े कौन कंट्री हैं, लेट्स गिव आर शो आर मैग्नानिमिटी। तो मैग्नानिमिटी के चक्कर में आपने पानी भी खोया, आपने जो यूसेज अपनी करनी थी वो भी आपसे नहीं हुई, और बड़ा कुछ हुआ मैं बताता हूं। तो इससे ये ट्रीटी एक लॉपसाइडेड ट्रीटी होगी। तो इंस्टेड पाकिस्तान इंस्टेड ऑफ फीलिंग ग्रेटिफाइड कि भाई हिंदुस्तान ने हम पे इतना एहसान किया है, वो हमें उल्टा फिंगरिंग करने शुरू कर दी। हमने जब बोला कि भैया इतने परसेंटेज पानी इंडस का हम यूज कर सकते हैं, या फॉर दैट मैटर झेलम का या चिनाब का यूज कर सकते हैं,
तो यूज कर सकते हैं, मीन्स वो पानी हम फिजिकली कैनाल बना के निकाल सकते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा यदि हम डैम बना के बिजली बनाते हैं तो उसमें आपको क्या प्रॉब्लम है? वो तो पानी फिर तो वापस जाता है। उसमें सिर्फ ये है कि पानी का जो क्यूसेक पर्स क्यूसेक फ्लो है जो, वो वापस जाना चाहिए, वो रुकना नहीं चाहिए। तो आप डैम में स्टोरेज बना लीजिए। सबसे पहले आपने बनाया चिनाब के और बगलीहार, तो इन्होंने आगे इसकी हाइट आगे कम कराई क्योंकि आप ज्यादा स्टोरेज कर रहे हैं। क्योंकि उनका ये आर्ग्यूमेंट टू सम एक्सटेंड सही भी है, यदि आप स्टोरेज रखेंगे और आपने डैम्स के गेट सारे खोल देंगे तो पाकिस्तान फ्लडेड हो जाएगा। पर अगर भाखड़ा डैम को अगर आपने पाकिस्तान को फ्लड करना है तो आपका अपना पंजाब भी फ्लड हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। तो उन्होंने भी इसको आगे उसकी चैनल्स बनाई कि अगर फ्लडिंग होती है, जैसे फ्लड्स आते हैं कई बार पंजाब में भी, तो वो अपनी चैनल्स बंद कर देते हैं, पानी सारा का सारा वापस पंजाब में आ जाता है और आधा पंजाब डूब जाता है। तो ये सब जो तमाशे चल रहे थे, लोगों को इनकन्वीनियंस हो रही थी कि हम कहां मैग्नैनिमिटी दिखा रहे हैं और ये उल्टा हमें नुकसान हो रहा है। ऊपर से शुरू कर दिया उन्होंने टेररिज्म। अब आप हमारे आगे खून बहाइए, हम आपको पानी देंगे, पानी देंगे। और अगर हम ये इन रिवर्स का पानी रोक दें तो पाकिस्तान पूरा का पूरा बंजर हो जाए, पाकिस्तान का पूरा बंजर हो जाए एब्सोल्युटली। तो इसलिए मैग्नैनिमिटी के चक्कर में ये हो गया। तो अभी इन्होंने हमारा बगलीहार नहीं बनने दिया, फिर इन्होंने अभी रतले डैम पे ऑब्जेक्शन उठाई है, इन्होंने फिर नेविगेशन प्रोजेक्ट जो तुलबुल का था, जो कृष्ण गंगा से हम तुलबुल में लाते थे वुलर लेक में, फिर वापस जेलम में जाता था, तो उस पर भी ऑब्जेक्शन उठाई है, जो बिल्कुल बेबुनियाद बेआधार ऑब्जेक्शन है। फिर कोई जिनका एक मैकेनिज्म है, एक कमेटी बनाएगी जो अभी जम्मू आई हुई है, वो साल में एक बार मिलती है, तो अगर वो उनके पास कोई ऑब्जेक्शन होती हैं उधर के, एक दूसरे के रेज करते हैं, जो अभी तक इंडिया हमेशा बैकफुट पर रहा उस कमेटी में, कभी ज्यादा फोर्सफुली कुछ बोल नहीं पाए। उसके बाद होता है कि अगर नेक्स्ट है आर्बिट्रेशन, तीसरा है कोर्ट में जाना। अभी ये रतले तुलबुल और ये जो बगलीहार और एक तीन और जो डैम्स बन रहे हैं बॉर्डर के पास किश्तवाड़ एंड बियॉन्ड, ये सारे के सारे पहले आर्बिट्रेशन में गए, फिर पाकिस्तानियों ने उसको कोर्ट में भी डाल दिया। अब ये दोनों चीजें तो हो नहीं सकती, दिस इज अगेंस्ट द ट्रीटी। अब दोनों कर बैठे हैं, अब एक का फैसला इंडिया के फेवर में आएगा, एक का उनके फेवर में जाएगा, तो कैसे इसका रिजॉल्व होगा कोई पता नहीं। तो अभी इंडिया ने लास्ट ईयर पहली बार अपोज तो नहीं किया, बट बोला कि ये हमारे ऑब्जेक्शन पॉइंट हैं, आप हमें बताइए कि हम इस ट्रीटी को दोबारा रिविजिट क्यों ना करें, क्यों आपको करें। तो ये एक हमने पॉजिटिव स्टेप पहली बार लिया है। पर दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं, रावी का पानी और इवन फॉर दैट मैटर सतलुज का पानी जो हमने बराज बना के रोका है, उसमें स्पिल ओवर अभी भी है। अगर आप शकरगढ़ तहसील देखें पाकिस्तान की, तो उनका बताया जाता है कि उनका जो वाटर टेबल है वो हर साल 4 मीटर गिर रहा है। अगर आप ये स्पिल ओवर पूरी रोक देते हैं पूरी की पूरी, तो वो 4 मीटर या 10 मीटर गिरेगा, तो देयर विल बी ट्रबल। और वो जो अपना टेररिस्ट हमें भेज रहे हैं, थोड़ा सा हमारा बदला भी होगा, ये हमारी कमी है। अभी 1950 या 51 में एक मीटिंग हुई थी, शेख अब्दुल्ला साहब थे चीफ मिनिस्टर, तो कि रावी का पानी जो है अपने कंडी बेल्ट में रावी तवी और चिनाब को कैसे जोड़ना है, तो वो किन्हीं कारणों से कि जम्मू को हमने प्रोग्रेस नहीं करने देना रह गया। अभी आई थिंक डॉक्टर जितेंद्र ने पिछले साल 3 किनाल्स का उद्घाटन किया है, जो कि ये पानी लाती हैं कठुआ की तरफ, यहाँ बनी उधर बसोली के नीचे जो भी मैदानी इलाके हैं जिनको आप कंडी बोलते हो, उनमें आजकल कोई खास फसल होती नहीं है। अगर वो पानी वहां आ जाता तो सारा एरिया ग्रीन हो जाता, और ग्रीनरी के बाद वहां पे फ्रूट बास्केट जो हमारी थी, लोगों की इकोनॉमिक खुशहाली, एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर सारा वहां बन सकता था। पर अभी हम क्या कर रहे हैं, पानी सारा का सारा शकरगढ़ को पाकिस्तानियों को दे रहे हैं, उनके काम आ रहा है और वो हमें हमारा खून बहा रहे। वही कह रहा, 1960 में जब ट्रीटी हुई थी उस वक्त के हालात कुछ और थे, आज के हालात उचार इन हालातों को देखते हो, पिछले 5 साल में मीटिंग, आपने कहा जिस 8 साल मीटिंग होती, पिछले 5 साल में मीटिंग नहीं। अब 25 आदमी का डेलीगेशन आया हुआ है, 25 हमारे भी कल जाएंगे, बातचीत करेंगे वहां पे, किश्तवाड़ देखेंगे, वो चीजें देखेंगे। मतलब क्यों हम इतना पाकिस्तान पे मेहरबान हो रहे हैं, जबकि इस वक्त जरूरत है कि पाकिस्तान को घुटने बल लाने की। बिल्कुल, वो आपने बिल्कुल ठीक बोला, और मैं तो बोल रहा हूँ मेहरबानी तो ट्रीटी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। इसको हम लॉक साइडेड कह रहे हैं, ट्रीटी में प्रोविजन एग्जिस्ट कि अगर कृष्ण गंगा का पानी हम लाके वुलर लेक में डाल रहे हैं, मींस कृष्ण गंगा ट्रिब्यूटरी है जेलम की, जो पाकिस्तान में जाके जेलम से मिलती है, तो उनका पानी जो अगर हम इधर से इस तरफ से जेलम में दे रहे हैं तो ट्रीटी की वायलेशन नहीं है। फिर उसके बाद बगलीहार में तो खैर उन्होंने हाइट कम करा दी, बाकी जितने भी डैम्स बने हुए हैं वो रन ऑफ द वाटर, मेरी टर्म गलत हो सकती है, मतलब कि उसमें हम अगर एक फिक्स अमाउंट स्टोर करते हैं तो जितना पानी पीछे से अंदर आ रहा है उतना ही बाहर जा रहा है, ठीक है ना। तो
तो वो पानी की वायलेशन नहीं है। तो हालांकि चेनाब का वाटर इज फॉर देयर यूज, वाटर इज फॉर देयर यूज, अगर हमने बिजली निकाल ली उसके अंदर से तो जैसे कि उसकी स्ट्रेंथ तो नहीं कम हो जाएगी। वही बोलो ना, एक अगर आपको जोक मालूम है कि पंजाब में जब एक कोई एंटी कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो अपोजिशन किसी पॉलिटिशियन ने बोला कि देखो ये कांग्रेस की गवर्नमेंट आपसे धोखा कर रही है फार्मर्स को, कि देखो बिजली तो उन्होंने बाखड़ा में निकाल ली, आपको फोका पानी दे रही है। तो ये मजाक था, बट ये पाकिस्तानियों को शायद लगता है वो सच है कि उसने बिजली निकाल ली। भाई तुम्हारा क्या गया, तुम्हारे को पानी दिया था। वो भी मैं बार बार बोल रहा हूँ दर्शकों को कि टोटल पानी जो है ना, अब मेरे पास आज की आपने इंप्रॉम्प्टू बुला लिया, फिगर्स नहीं है मेरे पास, तो फिगर्स में 80% पानी पाकिस्तान को, 20 इंडिया को। वो किस पैरामीटर पर डिसाइड किया, शायद हो सकता है कि पाकिस्तान के पास और पानी का सोर्स नहीं है। मैं बता रहा हूं कि अगर हम ध्यान से सोचें, अगर हम अपना पानी रोक लें या इसको जुडिशली यूटिलाइज करें इवन एज पर ट्रीटी, तो भी पाकिस्तान बंजर हो जाएगा। और अगर आज हम उसको होने दे रहे हैं, तो खुशहाली दे रहे हैं, थोड़ी बहुत उनको दे रहे हैं पानी अपनी फसलें उगाने के लिए इन द ईस्टर्न पाकिस्तान साइड में, ईस्टर्न बाउंड्री के जो है पाकिस्तान की, तो वहां पे ये हमारी एक मैग्नानिमिटी है। और मैं कहता हूँ मैग्नानिमिटी तो तब दिखाओ अगर वो भी रेसिप्रोकेट करे। लेकिन ब्रिगेड साहब इसमें एक वो रेसिप्रोकेट करता नहीं, नहीं कर रहे, वो बेचता है टेररिस्ट और हम दे रहे हैं उनको पानी, तो क्यों करना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो हमारा पानी है ये पाकिस्तान को जा रहा है, पाकिस्तान से होके फिर हमारे गुजरात में आता है, गुजरात से फिर सी में जा रहा है। पाकिस्तान की तमाम गंदगी जो है वो सारी की सारी कच्छ से होके भेजा रही है। ये बहुत सारे लोग आज तक इसके ऊपर किसी ने सवाल नहीं उठाया, बात ही नहीं की इसके ऊपर। ये पिछले साल जब पॉइंट्स इकट्ठे हुए हैं तो ये एक हम सेमिनार में बैठे थे, तो वहां पे हमें भी पहली बार पता चला। हम भी सोचते थे कि जो इंडस रिवर है वो सीधा कराची से सीधा अरेबियन सी में चला जाता है। वो इंडस उसकी जो ड्रेन्स हैं, बहुत सारी ड्रेन्स हैं जो कच्छ से होके जाती हैं, और वो जितना भी अपना वेस्ट मटेरियल है, शहर की गंदगी है, वो सारी की सारी इंडिया में भेज देते हैं। और हमारे एनवायरमेंटल कच्छ में कच्छेज है, रन ऑफ कच्छेज है, प्रोटेक्टेड एनवायरमेंटल एरिया, तो वो सारा का सारा तबाह हो रहा है। और चूंकि वहां पे पॉपुलेशन कम है, शायद लोग वहां के बोलते नहीं है, पता नहीं प्रधानमंत्री भी उसी स्टेट से आते हैं, ये पॉइंट कैसे मिस आउट हो गया अर्लियर, दे शुड हैव रेज्ड इट इवन एज द चीफ मिनिस्टर, लेट्स से। तो इस पॉइंट को एड्रेस करना बहुत जरूरी है कि हम उसको पानी दे रहे हैं पीने के लिए, वो हमें गंद दे रहा है, हमारी एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन कर रहा है हमारे कंट्री के अंदर। तो ये इन चीजों को अभी इन्होंने जो रिव्यू के लिए बोला है, बड़ा पोलाइट रिव्यू है ये। ये नहीं बोला कि हम रिव्यू करेंगे, बोले व्हाई वी शुड नॉट रिव्यू इट, दीज आर बिल्कुल बिल्कुल। तो कभी मुझे ये बताइए कि वो हमेशा उनके बंदों को हम एंटरटेन करते हैं, जैसे कल के वो आए हुए हैं, अब वो जाके कहीं बताए ना, वो बड़े सारे वो पॉइंट्स निकाल लेंगे बीच में से छोटे छोटे छोटे, और फिर उनको बिना ट्रीटी का टेक्स्ट करे हुए, बिकॉज लास्ट सेमिनार मुझे याद है कि हमने ट्रीटी का टेक्स्ट सामने रख करके लोगों को समझाया था, अपने जो लिसनर्स है या जो हमारे अटेंडीज है सेमिनार में, कि लिसन दिस इज ऑब्जेक्शन बाय द पाकिस्तान इन कोर्ट में, इन फ्रंट ऑफ द आर्बिट्रेशन, इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक, बट दिस इज व्हाट द ट्रीटी सेज, ये उस ट्रीटी का टेक्स्ट है, तो बताइए कैसे वायलेशन होती है। पर हम उसको क्यों एंटरटेन करते हैं, आई डोंट नो। लेकिन अब समझ लेना चाहिए हमें इस बात को कि टेररिज्म, और एक तरफ से हम खून अपना बहाते रहे, दूसरी तरफ से हम पानी देते रहे, ये जल्द चलेगा। देखिए जैसे मोदी जी ने बोला, टॉक्स एंड टेररिज्म कैन नॉट गो टुगेदर, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। वो कहते हैं टॉक्स ऑन टेरर कर लो, वो हम कर सकते हैं, पर सिमिलरली मैं कहता हूँ अगला स्लोगन ये होना चाहिए कि एक तरफ से पानी जाए दूसरी तरफ से खून आए, ये भी नहीं, ये बिल्कुल नहीं सही होगा। वॉटर एंड ब्लड कैन नॉट बी टुगेदर, इट हैज टू बी। अगर पाकिस्तान को पानी चाहिए, यू बेटर स्टॉप टेररिज्म। अदर अभी मोदी साहब तीसरी पारी में आ गए हैं, अभी थिंग्स वुड बी डिफरेंट। पहले आज तक जो प्रीवियस गवर्नमेंट्स ने किया, मैं उनको ब्लेम नहीं कर रहा, वो किसी कंपल्शन में था, हमारा इतना कद नहीं था इंटरनेशनल लेवल पे, आज हो चुका है। टुडे वी कैन असर्ट आवरसेल्व्स, इफ यू डोंट स्टॉप टेररिज्म, हमारे भोले भाले निहत्थे निर्दोष सिटीजन की जान लेना बंद नहीं करेंगे जम्मू कश्मीर में एंड एल्सवेयर इन द कंट्री। We will stop your water and फिर देखते हैं अभी as it is आप economical turmoil में हो और and if you are made to sort of get into droughts तो you will be in trouble। हमें अब पाकिस्तान से नहीं पूछना पड़ेगा इसकी revision के लिए, बल्कि revise करके उसको बताना पड़ेगा कि हमारा पानी जो है इन शर्तों पे आपको हम देंगे, ये सबसे बड़ी बात। हम शर्तें बंद भी कर दें, हम सारी इसको treaty को ही revoke कर दें,
तो भी हमें कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है। वर्ल्ड बैंक के ऊपर हम इतने डिपेंडेंट नहीं है, इंटरनेशनल एजेंसीज के ऊपर इतने डिपेंडेंट नहीं है। जो हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है, जीडीपी बढ़ रहा है, वी बिकमिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी वेरी सून। प्लस जो हमारा क्या बोलते हैं अपना इफेक्ट है या हमारे जो इन्फ्लुएंस है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के ऊपर, ये भी इन टाइम्स टू कम बढ़ेगा। यूएन में रिफॉर्म्स होंगी, इंडिया विल बी द लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ representing the emerging economies, the persecuted economies of the world, and we will have a say and we will do what we want to do. बिल्कुल सही कहा आपने प्रीत साहब, आपने ये जानकारी हमारे दर्शकों के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।